दाढ़ी गायब, चोटी भी कटी, चाहकर भी नहीं छिपा पाए शाहरुख खान अपनी नई फिल्म का एकदम नया लुक। दरअसल शाहरुख खान ने फाइनली काफी टाइम बाद पब्लिक अपीयरेंस दी। उन्हें बीते दिन पहले ही पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में देखा गया। इस दौरान शाहरुख को देखकर तो फैंस खुश हुए ही, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटेड उनके न्यू लुक को लेकर हो गए हैं। इस पार्टी के दौरान पहली बार SRK का हेड टू टो वाली पिक्चर देखने को मिली है, क्योंकि जब शाहरुख रणवीर और आलिया के रिसेप्शन में पहुंचे थे तब उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी में ही ब्लैक कलर का कर्टन लगा दिया था ताकि उनका लुक रिवील ना हो सके। मगर अफसोस, बाबा सिद्दीकी की पार्टी में वो अपना लुक रिवील होने से रोक नहीं पाए और फोटो आते ही सबसे पहले ही नजर लोगों की शाहरुख खान की चुटिया और उनकी दाढ़ी पर गई, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दी। शाहरुख खान ने लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाला लुक पठान के लिए अडॉप्ट किया था। वो पिछले 2 सालों से इस लुक में हर जगह दिखाई दे रहे थे। कई बार वो इसे फ्लॉन्ट करते हुए भी नजर आए, लेकिन अब जब शाहरुख ने इस लुक से अलविदा ले ली है तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि SRK का पठान का काम पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है और अब वो इस लुक में हिरानी की फिल्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक फ्राइडे को ही शाहरुख ने हिरानी के साथ फिल्म का काम किया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो एक सोर्स के मुताबिक शाहरुख खान पहले ही राजू हिरानी की फिल्म के लिए लगभग 3 दिनों का शूटिंग शेड्यूल कर चुके हैं। अब लोकेशन में बदलाव होगा, जिसके लिए शाहरुख और उनकी फिल्म की लीडिंग लेडी तापसी पन्नू के लिए फिल्म की शूटिंग पर वापस जाने से पहले शूटिंग शेड्यूल में कुछ दिनों का अंतर हो सकता है। इस स्टेटमेंट से शाहरुख के लुक का कनेक्शन साफ पता चल रहा है। हिरानी के सेट पर पहुंचते ही उन्होंने अपना लुक बिल्कुल यंग मैन की तरह कर लिया है, यानी हिरानी की फिल्म में SRK की उम्र ज्यादा नहीं रहने वाली है। फैंस के लिए ये भी एक जबरदस्त ट्रीट होगी कि वो शाहरुख को वापस से काफी 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 यंग कैरेक्टर निभाता हुआ देखने वाले हैं। खैर, पहले भी ये खबरें थी कि पंजाब का जो सेट मुंबई में बना है वहाँ कुछ हद तक ही फिल्म की शूटिंग होगी, जिसके बाद पूरी टीम पंजाब के लिए निकल जाएगी। फिलहाल लोकेशन पंजाब ही होने वाली है या फिर हिरानी और शाहरुख कहीं और जाएंगे, इस पर किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये शूटिंग शेड्यूल 40 दिन का होने वाला था, लेकिन इस खबर के आते ही हो सकता है कि ये शेड्यूल एक्सपेंड हो जाएगा। बताते चले कि शाहरुख ने एटली की फिल्म का 60% हिस्सा पूरा कर लिया है। इस फिल्म को उनके साथ लीड करेंगी नयनतारा और सानिया मल्होत्रा। दूसरी तरफ जून में शाहरुख खान सलमान खान को ज्वाइन करेंगे, जहां वो Tiger 3 में अपना कैमियो शूट करेंगे। उससे पहले वो शेड्यूल बाय शेड्यूल हिरानी और एटली के साथ काम करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को शाहरुख का ये न्यू लुक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।